दोस्तों बेबाक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया और इस बेल आइकन को दबाकर खबरें पाएं सबसे पहले। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 124 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 319 रन बनाए। बारिश की वजह से डकवर्थ लुइस नियम के तहत उसे 41 ओवर में 289 रनों का संशोधित टारगेट मिला, लेकिन वो सभी विकेट खोकर 164 रन ही बना सका। टीम इंडिया के लिए उमेश यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, जबकि हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा को 2-2 विकेट हासिल हुए। एक विकेट भुवनेश्वर कुमार के खाते में गया। आइए अब आपको बताते हैं आखिर कैसी रही पाकिस्तान की शुरुआत। जवाब में बैटिंग करने उतरी पाकिस्तानी टीम की शुरुआत वैसी नहीं रही जैसी जरूरत थी। अहमद शहजाद और अजहर अली ने पहले विकेट के लिए 9 ओवर में 47 रन की पार्टनरशिप की। इसी स्कोर पर भुवनेश्वर कुमार ने शहजाद को LBW आउट कर भारतीय टीम का खाता खोल दिया। वे 22 बॉल पर सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी टीम संभल पाती इससे पहले उमेश यादव ने 61 रन के स्कोर पर पाकिस्तान को दूसरा झटका दे दिया। पाकिस्तान के सभी बल्लेबाज प्रेशर में आउट होते रहे। बाबर आजम 12 गेंदों में एक चौके की मदद से 8 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि हफीज ही क्रिस पर टिक सके। उन्होंने 43 बॉल खेलकर 2 चौकों की मदद से 33 रन बनाए, जबकि शोएब मलिक और सरफराज अहमद 15-15 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले भारत के 4 बल्लेबाजों ने शानदार 50 लगाई। रोहित शर्मा ने 91, शिखर धवन 68, युवराज सिंह 53 और कप्तान विराट कोहली ने नाबाद 81 रनों की शानदार पारी खेली और भारत ने 48 ओवर में 319 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में पहली जीत हासिल कर ली है। अब उसका अगला मुकाबला श्रीलंका से है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको ये खबर कैसी लगी इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को पल पल की अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए।